बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फातिमा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो के साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा खुश आमदीद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत और गोरे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं और लाजमी नहीं है कि सभी बच्चे दूध जैसे गोरे पैदा हों। बड़े बच्चों की निस्बत छोटे बच्चों की रंगत को निखारना काफी आसान है और अक्सर लोग ये बात जानते हैं, इसलिए मैं आपको एक ऐसी बेबी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में बताऊंगी जिसकी बदौलत आपके बच्चे का डल कलर दूध जैसा गोरे चिट्टा हो जाएगा। तो चलिए इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए होगी वो होगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और बच्चों की स्किन पर भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो बच्चों की स्किन को नुकसान पहुंचाए। तो हम ये मिल्क पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून, कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मैंने एवरीडे का लिया है। और नेक्स्ट चीज जो हम शामिल करेंगे वो है हमारे पास रोज वाटर, वो हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा रोज वाटर कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूंगी और इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। और लास्ट में जो चीज शामिल करूंगी वो है आलमंड ऑयल, बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और ये बच्चों की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके साथ बच्चों की स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, ब्राइट और सॉफ्ट भी हो जाएगी। और आलमंड ऑयल हम लेंगे 5 से 6 कतरे या फिर 1/2 टीस्पून और इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी होममेड बेबी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। इसको आप किसी भी साफ कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। थोड़ी सी क्रीम लेकर बच्चों के फेस या फिर बॉडी पर अप्लाई कर दें और इसे मसाज बिल्कुल नहीं करना, रगड़ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से बच्चों के फेस और बॉडी पर अप्लाई करें। अगर आप इसको दिन को लगा रही हैं तो 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें और फिर वॉश कर दें। और अगर आप इसे रात को अप्लाई करती हैं तो और भी बेस्ट है, आप इसे पूरी रात लगा रहने दे सकती हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। एक दफा की एप्लीकेशन से ही आपको अपने बच्चों की स्किन में वाजिया फर्क महसूस होगा, सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएगी। इस क्रीम को आपने डेली यूज करना है और 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आपको अपने बच्चे के कलर में वाजिया फर्क महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।